गौशाला में गौ माताओं की सेवा करने उतरे शहर के नागरिक और कलेक्टर के निर्देशन में शानदार व्यवस्था हुई। खबर लुधावली गौशाला से आ रही है, जहां पर कलेक्टर अक्षय कुमार के निर्देश अनुसार ओएसडी महावीर जैन के द्वारा ऐसी कड़कड़ाती सर्दी में गौशाला में व्यवस्था की। ऐसी सर्दी में महावीर जैन सुबह 5 बजे गौ माता के लिए मंडी में चारा लेने आते हैं, गौ माता को ताजा चारा खिलाते हैं। ओएसडी महावीर जैन को देख शिवपुरी शहर के उद्योगपति भी गौशाला में दिखने लगे हैं और वो गौ माता की सेवा में रोज गौशाला जाते हैं। गौ माताओं को सब्जी, घास, सभी प्रकार का चारा खिलाते हैं। महावीर जैन के द्वारा गौशाला को नगर पालिका कर्मचारी के द्वारा सफाई कराई जा रही है। महावीर जैन और उद्योगपतियों का कहना है कि हम इस गौशाला को इस तरीके से सुंदर बना देंगे कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी सुंदर गौशाला का नाम लिया जाए। गौशाला में बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप लोग गुप्ता जी वगैरह सर और आप लोगों की मदद से गौशाला में चारा पानी दाने का बहुत अच्छे व्यवस्था चल रही है जन सहयोग से। पहले सरकार जो भी करती रही है वो तो सरकार की लिमिटेशंस के हिसाब से अच्छा करती रही है, लेकिन अब गौशालाओं में बहुत अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने जन सहयोग से कर पाई है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ गुप्ता जी का और अन्य सभी महानुभावों का कि यहाँ इन लोगों ने इतना ध्यान दिया। सर, कुछ गौ मैया ऐसी हैं जिनके पैर टूटे हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ है, जिनका पैर टूटा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है, जिनका उन अब जो रोड पर निकलती हैं उनका कुछ एक्सीडेंट तो देखो होते ही हैं, बीमार भी होती हैं, लेकिन यहाँ इतना मतलब आप विश्वास मानिए और आप पता भी कर सकते हैं, यहाँ पे इस गौशाला में इलाज मिलने में कभी देरी नहीं होती है। प्रॉपर इलाज, टॉप इलाज यहाँ कभी अच्छा। अब तो और आप लोग सब इतना सहयोग करने लगे हैं कि कभी प्राइवेट दवाई जो सरकारी स्टोर में नहीं भी आती है वो भी हम लोग मंगा के लगाते हैं, और उससे पहले भी कभी यहाँ एक डॉक्टर नहीं, यहाँ तीन तीन चार चार डॉक्टर एक बार में, आप जब भी कभी ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के केस में 10-20 मिनट से ऊपर कभी टाइम नहीं लगता है, केवल इतना टाइम लगता है कि हम लोग को ऑफिस में खबर हो जाए। जितनी देर खबर होने के बस 10 मिनट की जितने टाइम रास्ते में लगते रहा है उतना ही टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने देते। क्वालिटी बेस्ड चिकित्सा, इलाज क्वालिटी बेस्ड, बिल्कुल इलाज, यहाँ कोई इलाज में कतई कमी नहीं है, इस बात की गारंटी मैं आपको ठोक के देता हूँ।